मेष राशि, पैसे रुपए का मामला आपका बेहतर होगा, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह के तनाव से आपको बचाव करना चाहिए, चोट चपेट से भी इस समय आपको बचना चाहिए, जीवन साथी का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। एक बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान जी की उपासना कर लें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या इस समय आपके प्रयास करने से निश्चित रूप से हल हो सकती है, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और करियर में भी आपके लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान के सहयोग से आपको लाभ होगा। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा। भाग्य होगा आपके पास 90%। कन्या राशि, जीवन साथी को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं, धन की हानि से आपको बचाव करना चाहिए और वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है,
स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। नए काम की शुरुआत इस समय आपकी हो सकती है। हनुमान जी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है, हालांकि रुके हुए काम इससे आपके पूरे होंगे। किसी लाभकारी यात्रा पर भी इस समय आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, बेवजह का तनाव बिल्कुल मत पालिए। शांत रखिए अपने मन को, वाद विवाद से बचाव करिए और खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर देंगे तो दिन आपका कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर के मामले में लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।